हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर पूरे देश भर में दिवाली का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है, साथ ही साथ दिवाली की तैयारी कई दिनों पहले लोग शुरू कर देते हैं। दिवाली पर पूरे घरों को दीयों और रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया जाता है। हर वर्ष दीपोत्सव का यह पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस से दिवाली का त्यौहार शुरू हो जाता है और फिर इसके बाद नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, मनाया जाता है। इसके बाद दिवाली, फिर अगले दिन गोवर्धन पूजा और आखिरी दिन भाई दूज का त्यौहार मनाने का विधान है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक इस साल दीपावली बहुत ही खास रहेगी। क्योंकि कई दशकों बाद दिवाली पर एक साथ कई शुभ योग और राजयोग का निर्माण हो रहा है। जी हाँ, दिवाली पर इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं। जैसे दिवाली का त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर मनाने का विधान है, दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजन का भी विधान है। इसलिए हम सभी दिवाली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के लिए प्रदोष काल का समय सबसे अच्छा माना जाता है। दिवाली पर अमावस्या तिथि 12 नवम्बर को दोपहर करीब 2:30 पर है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक दिवाली की शाम के समय जब लक्ष्मी पूजन होगा, उसी दौरान 5 राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। इसके अलावा आयुष्मान, सौभाग्य और महालक्ष्मी योग भी बन रहे हैं। इस तरह से दिवाली पर 8 शुभ योग बन रहे हैं, जिससे ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि दिवाली पर इस तरह का शुभ योग कई दशकों के बाद बन रहा दिखता है। ऐसे में इस शुभ योग में दिवाली सभी के लिए सुख समृद्धि और मंगल कामना लेकर आने वाली है। इस साल दिवाली पर एक साथ 5 राजयोग बन रहे हैं और ये राजयोग क्या है ये जान लेते हैं। ये राजयोग गजकेसरी, हर्ष, उभयचरी, काहल और दुर्धा नाम के होंगे। इन राजयोग का निर्माण शुक्र, बुध, चंद्रमा और गुरु ग्रह स्थितियों के कारण होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गजकेसरी योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। यह योग मान सम्मान और लाभ देने वाला साबित होता है। वहीं हर्ष योग धन में वृद्धि और यश दिलाता है, जबकि बाकी काहल, उभयचरी और दुर्धरा योग शुभता और शांति के प्रतीक माने गए हैं। वहीं कई सालों बाद दिवाली पर दुर्लभ संयोग भी देखने को मिलेगा, जब शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ में विराजमान होकर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा दिवाली पर आयुष्मान और सौभाग्य योग का भी निर्माण होगा। बारह नवंबर को सुबह चतुर्दशी और दोपहर बाद अमावस्या तिथि है। इस वर्ष छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली दोनों ही एक दिन यानी 12 नवंबर को मनाई जाएंगी। पंचांग के अनुसार 12 नवंबर को सुबह तक रूप चौदस रहेगी, फिर दोपहर 2:30 के बाद कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा अमावस्या की रात को होता है। इस वजह से दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा 12 नवंबर की रात होगी। अमावस्या तिथि 13 नवंबर को दोपहर 3:00 से रहेगी। कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। इस बार कार्तिक महीने की अमावस्या 12 और 13 नवंबर दोनों ही दिन है, लेकिन दिवाली का त्यौहार 12 नवंबर को मनाया जाएगा। 12 नवंबर को दोपहर अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। ऐसे में रविवार की रात को ही लक्ष्मी पूजन के साथ दिवाली का त्यौहार
हो जाएगा। दरअसल हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजा हमेशा ही अमावस्या तिथि और प्रदोष काल के सहयोग में करना चाहिए। इस कारण 12 नवंबर को ही दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त 5:40 से शाम 7:36 तक का रहेगा। इसकी कुल अवधि 1:54 बताई जा रही है। प्रदोष काल 5:29 से 8:07 तक रहेगा। वहीं वृषभ काल 5:40 से शाम 7:36 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आपको दिवाली की पूजा करनी है। महालक्ष्मी निश्चित ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।